दुनिया भर में ब्यूटी जो है जाहिर है उसका मयार डिफरेंट होता जा रहा है, और हमारे मुल्क में तो शायद इतना ज़्यादा उस तरह ट्रेंड नहीं है, अब होता जा रहा है, लेकिन दुबई, लेबनान और ज़्यादा जो ममालिक हैं उसमें बहुत अपनी स्किन, बॉडी रीशेपिंग, ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। ज़रूरी भी है। देखें एक्चुअली क्या है कि अगर तो आप थोड़ा सा पहले जाएं निदा, तो हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारी मदर्स थी, तो उनमें एक तो ना इतना स्ट्रेसफुल लाइफ थी जी, ना ही डाइट इतनी ख़राब थी, ना ही इतना पोल्यूशन था, ना कंपटीशन की इतनी लाइफ थी। हाँ जी। ठीक है, और घर में एक कमा रहा है तो बाकी सब खा रहे हैं, सामने सब्जियां आपकी उधर उगी हुई हैं, वहीं से खा ले। अभी डाइट प्योर नहीं है, स्ट्रेसेस बहुत हैं, डिस्टेंसेस, बच्चे को छोड़ने माँ जाती है तो दो दो घंटे ट्रैफिक में फंसती है, वापस आके कुकिंग करती है तो चीज़ें प्योर नहीं मिल रही हैं, और पोल्यूशंस बहुत हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं, ये सारी चीज़ें आपको उम्र से पहले एजिंग ले आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले शायद इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब है। हाँ ठीक है, ब्यूटी नो डाउट, ब्यूटी पे तो जब से इंसान पैदा हुआ है वो कोशिश कर रहा है। मैंने तो बड़ी इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ी, तो उसमें भी हमारे अंबिया की वाइफ भी जो थी वो भी, आप क्लियोपेट्रा को देख लें, फिरौन की मिसेस को, तो कोई ना कोई वहाँ से लेके दरख्त, उसका कोई कालक वहाँ से निकाल कर उसका वो काला सुरमा बनाती थी, दूध से नहाती थी, दही से करती थी, किसी चंबेली के फूल से खुशबू लगाती थी। तो खूबसूरती, क्योंकि अल्लाह ताला खूबसूरत हैं और वो खूबसूरती को पसंद करते हैं, उन्होंने हुस्न व जमाल अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखा है और पसंद फरमाते हैं, तो हुस्न व जमाल तो मेरा ख्याल से प्रेजेंटेशन तो हर इंसान को मेरा ख्याल अच्छा भी लगता है और लगना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं। आप देखें ना कि बच्चा जब घर से निकलता है तो माँ स्ट्रेस में पता नहीं वापस आता है नहीं आता है, 10 जगह से घूम फिर के बस मिली नहीं मिली, धुआं, हेयर खराब हो रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, जो पहले नहीं होता था अब होने लगा है, बाल वक्त से पहले झड़ गए, सफेद हो गए, बच्चे बच्चियों के बाल सैग कर गई है, आप कह रहे हो मैं इतना खा भी नहीं रही लेकिन मेरी वेट गेन हो रहा है, और अगर मैं डाइटिंग करती हूँ तो मेरी स्किन सैग हो जाती है, एजिंग जल्दी आ जाती है। तो ये चीजें पहले नहीं थी। अब जब ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इनके सॉल्यूशन के लिए साइंस जो है वो नई नई इन्वेंशन कर रही है, ताकि आपको जो एजिंग आ रही है उसको स्लो किया जाए, आपके जो फीचर्स डल होके सैग हो रहे हैं उनको इन्हेंस किया जाए। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।